क्वेश्चन नंबर टू में आपका कहता है, सुरेश कुमार कमेंस अ बिजनेस ऑन 1 जन 2019 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹1 लाख। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करते टाइम पे कैपिटल का बैलेंस क्या कर रहे थे, भूल रहे थे कि कैपिटल का भी बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे 1 लाख दे रखा है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्री नॉर्मल। तो जर्नल एंट्री मैं सारे क्वेश्चन का कर रहा हूँ फटाफट से। जर्नल एंट्री फर्स्ट का होगा हमारा, डेट भी इवन गिवन है, तो 1 जैन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैं रफली फटाफट कर देता हूं इसको, 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है एक एक का, और अगेन आपको ऊपर भी 1 लाख देता है और नीचे भी स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपका जो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है और नीचे वाला इंफॉर्मेशन है सेम है, इसको अगेन नहीं कर देना आपको 1 लाख का। तो वही 1 लाख रुपए दे रखा है। 2 तारीख को बॉट्स गुड्स फॉर कैश, 2-1 को परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, और अमाउंट है मेरा 20,000। तीन तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये आ गया 7,000, नॉर्मल जर्नल एंट्री है। इसके बाद 15 का है क्वेश्चन, इसमें सोल्ड गुड्स टू सर्वन दिल्ली, टू टू सेल्स। मैंने आपको जो जर्नल एंट्री दिया था बिल्कुल सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर स्टूडेंट को ये जर्नल एंट्री आता है। 18 बॉट गुड्स फ्रॉम अनुराग परचेज टू अनुराग, और अमाउंट है 50,000। इसके बाद 18 के बाद क्या डेट आता है, 19। 19 को क्या कहता है क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न टू अनुराग, अनुराग को मैंने रिटर्न कर दिया, तो आ जाएगा हमारा अनुराग टू परचेज रिटर्न, और 1,000 कितने का सामान वापस कर दिया, 5,000 रुपए का। यहां पे 10% भी बोल सकता था। इसके बाद फिर से 20 तारीख को सामान बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये 30,000 रुपए का सामान बेच दिया। अगेन एंट्री 22 तारीख का है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो कैश इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश अकाउंट, और ये पेमेंट है हमारा 1,000 रुपए का। इसके बाद 28 तारीख को फिर से इसने पेमेंट किया है टेलीफोन बिल का, टू कैश, और ये है 500 रुपए का। 29 तारीख को पेड रेंट है, रेंट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है 800 रुपए। इसके बाद लास्ट है पेड वेजेस, और 3,000 रुपए का।
तो एंट्री क्या करेंगे 30 तारीख का, 30 है 31 है, वेजेस टू कैश 3000, वेजेस टू कैश 3000 रुपए, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा यहां पे आपके सामने एक जनरल कर दिया ओवरव्यू, नहीं वेजेस अलग होता है हमारा और सैलरी अलग होता है तो एक्सपेंस ही, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ अलग अलग हमारा ये एक्सपेंस माना जाता है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबके लेजर क्रिएट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लेजर होता क्या है, जितने छोटे छोटे हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजर। तो मैं एक बार लेजर बना लेता हूँ, लेजर किस किस का बनाना है, सबका लेजर कैसे कैसे बनाना है वो भी देख लेंगे, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस भी बना के देख लेंगे इस क्वेश्चन का। लेजर में मैं अब एलएफ नहीं डालूंगा क्योंकि मैं जल्दी करके दिखा देता हूं आपको, हालांकि एलएफ का कॉलम होना चाहिए। क्या इसमें, हाँ ये तो पूरा फॉर्मेट रहेगा आपका, जर्नल होगा, डेबिट कॉलम होगा, क्रेडिट, ये तो मैंने आपको जल्दबाजी में आपको करके दिखा दिया, आपको जल्दी से जल्दी आंसर पता चल जाए, और कोई रीजन नहीं है, रहेगा पूरा फॉर्मेट जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा है। जो फर्स्ट क्लास में देखा है वही पूरा रहेगा हमारा। देखो थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा यहाँ पे, और मैंने सारे लेजर एक प्रिपेयर कर लिए, अपने हिसाब से अंदाजे से लगा लिए, कुछ बना लिए अकाउंट्स, यानी जितने भी जर्नल एंट्री है उन सब के मुझे एक छोटे छोटे लेजर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कैश, तो मैं एक प्रिपेयर करूंगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, या मैं कैश अकाउंट ना सबसे लास्ट वाले का नाम दे देता हूँ इसका कैश, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन है, कैपिटल इसको दे देता हूं नाम कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट भी बन गया कैपिटल। इसके बाद परचेज है, न्यू अकाउंट है, एक और बनेगा परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट अब नहीं बनेगा हमारा क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं, अगेन कैश अकाउंट नहीं बनेगा, बन चुका है, सेल्स न्यू अकाउंट है, सेल्स के बाद सर्वन अकाउंट न्यू अकाउंट है, और ब्रैकेट में डेटर। इसके बाद सेल्स बन चुका है नहीं बनाएंगे, परचेज बन चुका है नहीं बनाएंगे, अनुराग न्यू है, अनुराग के बाद अगेन अनुराग नहीं बनाएंगे, परचेज रिटर्न बनेगा, इसके बाद कैश अकाउंट नहीं बनाना, सेल्स अकाउंट बन चुका, इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद टेलीफोन भी बनाना पड़ेगा, टेलीफोन के बाद रेंट भी बनाना पड़ेगा, और रेंट के बाद वेजेस। इन सबके साथ कैश है तो ऑलरेडी मैं कैश अकाउंट बना चुका हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट को ऊपर नहीं रखा क्योंकि मुझे पता चल गया कि कैश के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट ऑलवेज हमेशा याद रखना बड़ा ही बनेगा आपका, ठीक है ना, हमेशा कैश अकाउंट आपका ज्यादा बड़ा होगा। तो अब मैं बात करता हूँ पोस्टिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे रहेगा, एक अकाउंट में मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ डेट रहेगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट डेट, यहां पे एलएफ भी होगा लेकिन मैंने यहां क्रिएट नहीं करा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, एलएफ नहीं बनाया, आपको एलएफ लिखना है। ट्रांजैक्शन देखो, कैश अकाउंट में जाएंगे जो कि ये रहा, कब डेट क्या है, एक एक को जाएंगे और लिखेंगे टू कैपिटल, अमाउंट 10,000, 1,00,000। अब कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय कैश, अमाउंट 1,00,000 और डेट है 1-1। अब परचेज अकाउंट को ढूंढेंगे, वहां जाएंगे टू कैश और 2-1 को,
और कैश अकाउंट में जाके बाय परचेज, कैश अकाउंट में जाके बाय परचेज, डेट 2/1, बाय परचेज, और अमाउंट 20,000। अमाउंट बड़े ध्यान से लिखना, देखो मैं यहां भूल गया लिखना, तो ये सब एरर ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता मुझे। कैश अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू सेल्स, डेट है 3/1, और अमाउंट 7,000। अब हमें किस अकाउंट में जाना है, और वहां लिखना है बाय कैश, बाय कैश, और डेट है हमारे पास 3/1, 7,000। सिंपल है बिल्कुल। अब सर्वन अकाउंट में जाके टू सेल्स, सेल्स इसलिए ये डेटर है हमारा 6,000, डेटेड है 15/1, और सेल्स में जाके बाय सर्वन 6,000, डेटर है हमारा ये 15/1। 18 तारीख को परचेज में जाके टू अनुराग, और 50,000 रुपए का, डेट है 18/1। अब अनुराग में जाएंगे, और अनुराग कहाँ है मेरा, ये रहा, यहां लिखेंगे अनुराग में जाके बाय परचेज, अमाउंट 50,000, डेटेड है 18/1। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है सुमित, आप बताना इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, बताओ। अनुराग के अकाउंट में पहुंच गया, ये रहा टू परचेज रिटर्न, मैं इसको पीआर कर देता हूं, और डेटेड है मेरा 19/1, और परचेज रिटर्न में जाके बाय अनुराग, और ये 5,000, 19/1, ठीक है। अब अगली एंट्री है कैश अकाउंट टू सेल्स, जानवी आप बताना इसका कैसे करेंगे पोस्टिंग। कैश अकाउंट में जाके टू सेल्स, तो कैश में आ गए और टू सेल्स, अमाउंट 30,000, डेटेड है 20/1, और सेल्स में जाके क्या लिखेंगे, बाय कैश। सेल्स में आते हैं, चलो सेल्स कहाँ गया, ये रहा, बाय कैश, और 30,000, और ये है 20/1। चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब उत्तम आप बताना इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट के अंदर जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू कैश, और 1,000, डेटेड है हमारे पास 22/1, और कैश अकाउंट में जाके बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये 1,000, डेट है 22/1। इसके बाद टेलीफोन का बिल है हमारा, ठीक है, आप बताओ संचित टेलीफोन वाले का कैसे करेंगे। टेलीफोन में जाके टू कैश, टेलीफोन में जाके लिखेंगे टू कैश, और कैश में, और कैश में जाके बाय टेलीफोन, बाय टेलीफोन 500, और डेटेड 28/1, और यहां भी डेटेड 28/1। देखो पोस्टिंग तो बड़ा आसान है, अभी इसका मैंने दूसरा पार्ट तो किया ही नहीं है। रेंट में जाके टू कैश, ये मैं कर देता हूं, रेंट में जाके टू कैश, अच्छा इधर है रेंट, रेंट में जाके टू कैश, और अमाउंट आ गया 800, डेट है 29। इसके बाद कैश में जाके बाय रेंट, तो देखो इसमें कितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं हमारे, 29/1। इसके बाद वेजिस में जाके फिर से अगेन टू कैश, और ये 31/1 को टू, और अमाउंट आ गया 3,000, और कैश में जाके वेजेस 3,000। चलिए डेट है हमारा 31/1, ठीक है। पोस्टिंग हर किसी को समझ में आया, सिंपल पोस्टिंग कर रहे हैं, अभी हमने कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग नहीं सीखा, हर किसी को क्लियर है। पोस्टिंग के बाद हमें क्या कर याद रखना है, जितने एसेट्स लाइबिलिटी है वहां बैलेंस सीडीबीडी, इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस सीडीबीडी के जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, वहां पे क्या लिख देंगे हम, तो सबसे पहला ये हमारा तो लाइबिलिटी है,
ये कौन सा अकाउंट है हमारा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि कैपिटल तो हमारा लाइबिलिटी ही होता है, 1 लाख, और इधर का भी टोटल 1 लाख, और टू बैलेंस सीडी 1 लाख। अब समस्या ये है कि भाई डेट क्या होगा, साल मंथ का एंड, और इधर आ गया हमारा 1/2 को बाय बैलेंस बीडी, और ये आ गया हमारा 1 लाख परचेज। अब परचेज का बैलेंस सीडी आएगा क्या? नहीं आएगा। रीजन, ये एक्सपेंस है, तो 70,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। यहां पे ना प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे बाद में समझ लेंगे, ट्रेडिंग कब लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस कब लिखना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी आ सकता है इनफैक्ट। तो जब हमारा आगे हम जाएंगे, जब फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा इस वाले पॉइंट के लिए खर्चे के लिए ट्रेडिंग लिखेंगे और इस वाले खर्चे के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, वो तब समझेंगे हम, ठीक है। सेल्स, सेल्स क्या है हमारा? इनकम है, तो आपका आ गया 13 और 30 हजार, तो 43,000 टोटलिंग। देखना जहां कास्टिंग में गलती, टोटिंग में गलती, वहीं पे हमारा आंसर गलत। इसको भी लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा जा सकता है इसको। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में तो बहुत एंट्री है, तो 30, 1,37,000 इसका बैलेंस सीडी निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी 31st 1, माइनस करेंगे 20,000, 21,000, 21 और 3 24,000, 24 और 1 25,300, माइनस करो 25,300 1,37,000 में से, बताओ 1,37,000 में से 25,300 1,07,000, क्लियर। इसका टू बैलेंस बीडी भी कर देते हैं, चलो टू बैलेंस बीडी। इसके बाद बताओ, अब ये बताओ इसका बैलेंस सीडी निकाले या नहीं निकाले? इसका बैलेंस सीडी जवाब आया नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि एसेट्स है, यही सिखाया था मैंने, जब एसेट्स होगा तभी तो निकालेंगे, और लाइबिलिटी होगा तभी तो निकालेंगे, इनकम और खर्चे का नहीं निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि एसेट्स है। नहीं निकालेंगे क्योंकि एसेट्स नहीं, 6,000, 6,000 बाय बैलेंस सीडी 6,000 31st 1, इसको बैलेंस बीडी भी कर देते हैं, टू बैलेंस बीडी 6,000। इसके अंदर ना क्वेश्चन करने में इंटरेस्टिंग इसलिए है कि लास्ट में पता चलेगा आंसर क्या आएगा, तो स्टार्टिंग से करने के बाद आपको एंड जानने का तो बहुत ज्यादा रहता है कि पता चले क्या है। इसका भी आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, इसका टू बैलेंस सीडी और 45,000 बाय बैलेंस सीडी 45। चलिए इसका बनेगा क्या? नहीं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंसिंग फिगर। चलो इलेक्ट्रिसिटी का बनाए क्या बताओ? 1,000। क्या टेलीफोन बिल का? क्या रेंट का? क्या वेजेस का? बहुत जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, तो ये लो लिख लिया, ठीक है। मैंने जितने भी एसेट्स लाइबिलिटी थे सबका, किसी का कुछ का तो मैंने बैलेंस सीडी और बीडी निकाला, और कुछ का मैंने किससे मैच कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि किसका करना है बैलेंस सीडी और बीडी, और किसका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इतना करने के बाद अब इस अकाउंट को करने का मतलब मुझे पढ़ना भी आना चाहिए,
अब इस अकाउंट को देख के मैं बोलूंगा भाई मेरे पास कैपिटल है एक एक को कैश में आया, इससे ये पता चलता है। इसको देख के बोलूंगा परचेज किया, नगद में खरीदा 20,000 और उधार नाम आ गया तो उधार में खरीदा मैंने 50,000। ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन के बाद ही आप जवाब दे पाओ। अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपको तो लेजर देख के जवाब देना आना चाहिए, जर्नल देख के जवाब आना देना चाहिए, ट्रांजेक्शन देख के तो कोई भी जवाब दे देगा। ये सेल्स अकाउंट है, सेल से मुझे पता चलेगा नगद खरीदा मैंने 7,000 और मैंने श्रवण से खरीदा 6,000 और फिर नगद खरीदा मैंने 30,000 रुपए का, इससे क्लियर पता चलता है। कैश में क्या पता चलेगा, मेरे बिजनेस में पैसा आया 1 लाख कैपिटल से, यानी मालिक ने दिया होगा, 7,000 फिर मैंने नगद बेचा है, फिर 30,000 मैंने नगद बेचा है, फिर ये सारे खर्चे जो कि मैंने नगद में पेमेंट किया है। तो अकाउंट देख के वेरी क्लियर हो रहा है कि ये हमारा पेमेंट जा रहा है। अब मैं पूछूं भाई ये क्या है, टेलीफोन, टेलीफोन का पैसा दिया है 500 रुपए, कैसे दिया पैसा बता सकते हो, कैश अकाउंट में है तो कैश ही तो दिया है, अगर चेक होता तो कहाँ होता, बैंक अकाउंट में होता। सेम ऐसे क्रेडिटर, क्रेडिटर 6,000, 6,000 के बाद मैंने डेटर, डेटर क्या है 6,000, उसको पैसा ही नहीं मिला तो अभी भी 6,000 लेना बाकी है। अनुराग क्रेडिटर कितने 50,000, लेकिन 5,000 रुपए का तो सामान ही वापस कर दिया, तो अनुराग को कितने देने हैं 45,000। देखो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, जर्नल एंट्री से तो कई बार आप पता भी नहीं चलता कि इसका कितना नेट में लेना देना है, इसमें क्या पता चल जाता है कितना नेट में लेना है और नेट में देना है। अब रिटर्न, परचेज रिटर्न, अनुराग को मैंने 5,000 रुपए का रिटर्न कर दिया, अभी सेटलमेंट एंट्री इसका नहीं किया है। ऐसे आपका ये सारा डेटर और एक्सपेंसेस है। करना क्या है आपको, इसका नेचर देखना है। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं कैपिटल, कैपिटल का नेचर लाइबिलिटी 1 लाख यानी क्रेडिट में। अगला हमारा परचेज नेचर, एक्सपेंस डेबिट में 7,000। अगला हमारा सेल्स नेचर, इनकम क्रेडिट में और 43,000। अगला हमारा कैश नेचर एसेट्स और डेबिट में 1,11,700। अगला हमारा सर्वन नेचर एसेट्स तो डेबिट में 6,000। नेक्स्ट हमारा अनुराग नेचर कहां पे, यहां परचेज मैंने कहां करा है, ये 70,000 है या अच्छा 70,000 है, मैंने यहां बैलेंसिंग फिगर ठीक है, हाँ 70,000 आएगा ठीक है। अनुराग, अनुराग का मैंने लिख दिया नहीं लिखा, अनुराग क्रेडिटर लाइबिलिटी कितने का 45,000। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, इसका नेचर तो नहीं है कुछ लेकिन इसका साइड जरूर बता सकते हैं, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न उल्टा हो जाएगा उसका क्रेडिट, तो मैंने यहां लिखा परचेज रिटर्न और क्रेडिट में लिख दिया मैंने 5,000। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने का 1,000 का, चलो ये भी हो गया। इसके बाद टेलीफोन बिल, ये भी एक्सपेंस कितने का 500 रुपए का, चलो रेंट बताओ 800 एक्सपेंस। इसके बाद लास्ट वेजेस, ये भी डेबिट होगा 3,000, क्या हर किसी को क्लियर है ये 3,000, चलिए देखते हैं। अब टोटलिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लिया, इस ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन एज 31st 1st 2019, अगर 19 है तो 19, मैं सोच रहा हूं 19 है मेरा। अब टोटलिंग करते हैं, चलो ये टोटल मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, 1 लाख, इसका भी एक बार वेरीफाई करते हैं चेक करो क्या आएगा, सेम 1 लाख 93,000। तो आपसे पूछा जाए भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है बताओ, तो ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर, क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए। क्या ये हमारे 100% अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, नो, इसके अंदर फिर भी कुछ गलतियां हो सकती है इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर फिर भी गलत हो जाता है तो हम कई बार इसको मैच कर देते हैं,
किससे मैच कर देते हैं? सस्पेंस से। क्यों? ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत जल्दी बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी और को प्रेजेंट कर पाए, बाद में इसको हम फाइंड करके रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रायल बैलेंस। आपके बुक में देखो ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर 9 है, ये 8 है और ये 11 है, लेकिन है तीनों एक ही चैप्टर। तो आज हमने सिंपल वाला बहुत सारे पॉइंट्स भी देख लिए, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल वाला जो पॉइंट होगा तो उसका कैसे पोस्टिंग करना है, कैसे कास्टिंग करना है और कैसे लेजर में ट्रांसफर करना है। क्लियर? अब फटाफट से आप इसको नोट करिए।